फ्रेंड्स, अब फरवरी का एंड हो गया है। आज 28 फरवरी हो गई है और धूप भी बहुत अच्छी आने लगी है, तो फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा खिलेंगे इस टाइम पे। ये मिर्ची गुड़हल है और इसके फ्लावर पूरी तरह से नहीं खिलते हैं, इस तरह से बंद रहती हैं इसकी कलियाँ। ये सभी देवियों को बहुत पसंद है, तो इन्हें अपने टेरेस गार्डन पे मैंने कटिंग के द्वारा लगाया था। एक पौधे से काफ़ी सारे फ्लावर हो जाते हैं और यह हिबिस्कस है गुड़हल से, तो इस तरह से खिल जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है। और इसकी कटिंग के द्वारा ये भी पीला वाला गुड़हल लगाया था, तो ये डेली मेरे टेरेस गार्डन में पूजा के लिए निकल आते हैं। कई तरह के फ्लावर हो जाते हैं, जितनी जरूरत होती है उतने ही तोड़ती हूँ मैं। और अब इस टाइम पे देखिए, ये विंका है जिसे सदाबहार कहते हैं, सदा हरा भरा रहता है और इसमें फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। तो दो महीने धूप अच्छी ना होने के कारण इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, बाकी ये 12 महीना बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अभी फ्लावर इसके शुरू हो गए हैं क्योंकि फरवरी का एंडिंग टाइम है और ये जनवरी लास्ट से ही थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो गए थे। तो काफ़ी खूबसूरत ये पौधे मैंने टेरेस गार्डन में अपने लगाए हैं और डेली मेरे यहाँ पूजा के लिए निकल आते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी अपने टेरेस गार्डन में पौधों को लगा करके ज़रूरत की चीज़ें भी ले सकते हैं और शुद्ध हवा भी पा सकते हैं। पक्षी, भौंरे और मधुमक्खियाँ, सबका अट्रैक्शन पौधों में रहता है, तो जो हमारे वातावरण के लिए ये सब बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनको देख करके भी और अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे यहाँ देखिए, ये कटिंग के द्वारा ये हिबिस्कस बड़ा वाला लगाया था, तो इसमें काफ़ी सारे हो रहे हैं इस टाइम पे। ज़्यादा से ज़्यादा निकलने के लिए कलियाँ तैयार हो गई हैं, तो कटिंग के द्वारा मैंने कई सारे इन्हें भी लगा रखे हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।